Hello everyone, our today's topic is statistical graphics in SCI. Basically, statics word जो है संख्यांकिकी से संबंधित है, जैसा कि for example, suppose करिए कि हमारे पास 30 countries के population का record है, ठीक है, 30 कंट्री के पॉपुलेशन के रिकॉर्ड को नंबर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना और उसमें ये फाइंड आउट करना कि किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, हमें उन सारे डेटा को पढ़ना होगा, समझना होगा, कंपेयर करना होगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि उन 30 कंट्रीज में से किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है या किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक यानी संख्यांकिकी ग्राफिक्स यानी नंबर्स जो हमारे पास हैं, जो डिजिट्स हैं, जो डेटा है, उस डेटा को अगर हम कुछ ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, उस नंबर्स को, उन डेटा को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो उस डेटा से इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया, 30 कंट्रीज के पॉपुलेशन का रिकॉर्ड अगर हमारे पास है और उस रिकॉर्ड को यूज करके अगर हम ग्राफ प्लॉट करें या एक बार ग्राफ प्लॉट करें और फिर ये पूछा जाए कि बताइए किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो विद इन सेकेंड हम ग्राफ को देखते ही ये बता देंगे कि किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे कम है। सो इसीलिए ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। किसी भी न्यूमरिक डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि यूजर हमारे इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के दौरान कम से कम समय में यूजफुल इंफॉर्मेशन को वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बेसिकली अगर हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स होती क्या है, क्यों उसको यूज करते हैं एंड वेयर और कहाँ इसको यूज करते हैं। तो तीन सवालों के जवाब में जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। सो इन तीन चीजों के जवाब जानने के लिए कि स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स क्या है, क्यों है, कहाँ यूज करते हैं, उसके लिए हमें इन पॉइंट से होकर गुजरना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है, अ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स इज डेटा presented in graphical format, means हमारे पास जो भी data है, जो भी statistical data है, जो भी संख्यांकिकी हमारे पास data है, जो भी numerical data हमारे पास है, उस data को हम graphical form में represent करने के लिए statistical graphics का use करते हैं। यानी जो भी हमारे पास अंक है, जो भी संख्याएं हैं, जो भी हमारे पास उन numbers से related data है, उस data को graphical form में अगर हम represent करना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। ठीक है, अ वेल डिजाइंड स्टैटिस्टिकल ग्राफिक आल्सो रिफर्ड टू एज अ चार्ट और ग्राफ। इसको स्टैटिस्टिकल ग्राफिक को आप नॉर्मली चार्ट भी कह सकते हैं, उसको ग्राफ भी कह सकते हैं। यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स रिजर्व फॉर मटेरियल दैट इज रिच, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट। बेसिकली हम इस स्टैटिकल ग्राफिक्स को तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना होता है। हमारे पास डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि आपको इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेशियो मेजर करनी है, ठीक है, तो इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेशियो मेल फीमेल वाइज अगर आपको मेजर करनी है या फिर ये क्या कंपेयर करनी है, ठीक है, उसके बिहाफ पे कोई रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो उस स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में लेके आए, एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो आई थिंक उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इजी वे में ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक यूज है, ठीक है, डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना, इम्फेसाइज द डेटा, मिनिमाइज नॉन डेटा एलिमेंट्स, मिनिमाइज रिडंडेंट एलिमेंट्स, मीन्स बार बार किसी डेटा की रिडंडेंसी हो रही तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपके टेक्स्ट, अगर मैंने आपको कोई डेटा हैंड ओवर किया, ठीक है, इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है, तो उस डेटा में भी हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे किसी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल रिपीट हो जाए,
एक बार दो बार कई बार डेटा रिपीट हो सकता है बाय मिस्टेक। तो जब हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स में उस डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ग्राफिक्स के सपोज करिए हमने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को तीन बार गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेशियो का जो डेटा था हमने तीन बार उसमें मेंशन किया हुआ है। जब हम उसको उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएगा हमने बार ग्राफ पे कि गोरखपुर तीन बार आ रहा है और इन तीन बार जो का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजिली कि ये डेटा रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे इजिली रिमूव कर पाएंगे। तो ग्राफिकल फॉर्म के थ्रू अगर हम देखें तो जो रिडंडेंसी वो कम हो जाती है रिमूव हो जाती है एक तरह से। ठीक है, फिल द ग्राफ्स अवेलेबल एरिया विद द डेटा, शो डेटा वेरिएशंस, प्रोवाइड प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्केल्स एंड सेटिंग। तो ये बेसिक्स पॉइंट हैं जिनको हम अचीव कर पाते हैं बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। सो स्केलिंग एंड सेटिंग की अगर बात करें तो स्केलिंग एंड सेटिंग में प्लेस टिक टू मार्क स्केल ऑन द आउटसाइड एज ऑफ ईच एक्सिस, इंप्लाई अ लिनियर स्केल, मार्क स्केल एट स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड इंटरवल्स, स्टार्ट अ न्यूमेरिक स्केल टू जीरो। कहने का मतलब ये जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें ठीक है तो उस ग्राफ को प्लॉट करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे हम जब क्लास सेवेंथ या एट में पढ़ते थे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जब टीचर हमें बताते थे तो बोलते थे कि एक लाइन खींचिए हॉरिजॉन्टल उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक लाइन खींचिए वर्टिकल उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लेबलिंग करते थे, दिस इज एक्स मीन्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई इट्स वाई एक्सिस, और हम उस एक्सिस पे कुछ डिजिट्स लिखते थे ताकि हम उस एक्सिस पे एक प्रॉपर जो डेटा है उसको रिफ्लेक्ट करा सके। तो किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को हमें फॉलो करने होते हैं, उसी स्टेप्स की यहाँ बात कर रहा है। लाइक लेवलिंग हो गया, ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं उसका टाइटल होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स यानी ग्राफ में आप डेटा को मेजर करने के लिए आप उसमें नंबरिंग करिए, प्रोवाइड स्केलिंग कंसिस्टेंसी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो ग्राफ को प्लॉट करने के दौरान हमें यूज करने होते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं कि बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स है वो क्या है, क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। सो ये तो हो गया बेसिक डिफिनेशन ठीक है स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स का। लेकिन अगर अब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स की बात करें कि कितने तरह के हम ग्राफ्स बना सकते हैं जो हमारे पास सांख्यिकी है या जो भी हमारे पास स्टैटिकल डेटा है उस स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके हम किस किस तरह के ग्राफ बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हैं, ऐसे ग्राफ हैं जो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, इवन मैंने भी बहुत सारे ऐसे ग्राफ हैं जिनके बारे में ना सुना ना देखा जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। फर्स्ट वन इज कर्व एंड लाइन ग्राफ, सिंगल ग्राफ, फोर और फाइव मैक्सिमम, लेबल आइडेंटिफिकेशन, लीज एंड, टाइटली पैक्ड कर्व्स, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेटा, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड डेटा, डेटा डिफरेंसेस, सर्व चार्ट्स, ऑर्डरिंग, कोडिंग स्कीम्स, लेबल्स, स्कैटर्ड प्लॉट्स, टू डायमेंशंस, कंसिस्टेंट इंटरवल्स, मल्टीपल डेटा सेट्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, बार ग्राफ, कंसिस्टेंट ओरिएंटेशन, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन, बार स्पेसिंग, डिफरेंशिएशंस, इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेटा, रिलेटेड बार ऑर्डरिंग, रेफरेंस इंडेक्स। देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जो भी हमारे पास डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी हमारे पास है उस डेटा को यूज करके जो भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कहलाता है स्टैटिस्टिकल ग्राफ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टैटिकल ग्राफ्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए तीन बेसिक ग्राफ्स यूज किए हुए हैं जो नॉर्मली आप तीन ऐसे ग्राफ्स यूज किए हैं जो आपने शायद ही कभी देखा हो। जैसे कि सरफेस चार्ट, यहाँ पे देखिए एक ग्राफ का टाइप है सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट नॉर्मली एक ऐसा ग्राफ होता है जो एक थ्री डायमेंशनल ग्राफ होता है ठीक है, और उस ग्राफ को देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम इस ग्राफ में किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस सरफेस को यूज करके हम किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफ।
तो ये आप यहां देख पा रहे होंगे, मैं मार्कर ले लेता हूं, आप यहां देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सरफेस चार्ट है, इस सरफेस चार्ट में हमने डेटा को जिस ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है उस ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सरफेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सरफेसेस हैं। उन सरफेसेस पे हमने इस स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो चूंकि उस डेटा को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो ग्राफ पे जो हम डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो डेटा एक सरफेस के फॉर्म में हम उस ग्राफ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उस चार्ट को, उस ग्राफ को हम क्या कह रहे हैं, सरफेस चार्ट या सरफेस ग्राफ। तो बेसिकली नॉर्मली इस तरह के ग्राफ हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ये इस एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट जहां यूज होते हैं वहां पे हम इन डेटा को यूज करें, इस टाइप के ग्राफ्स को यूज करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में हमारे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा है उस डेटा को, उस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को इजी वे में स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज करते हैं, और ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में जो नॉर्मली ग्राफ यूज करते हैं वो बार ग्राफ होता है या पाई ग्राफ होता है, ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम हायर इंजीनियरिंग की बात करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा होता है और उस कॉम्प्लेक्स डेटा को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में रिफ्लेक्ट करना होता है, तो उस केसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स को या ग्राफ को यूज करते हैं, लाइक सरफेस चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट, मल्टीपल डेटा सेट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब दूसरा दूसरे टाइप का जो ग्राफ देखिए स्कैटर्ड प्लॉट्स है। स्कैटर्ड प्लॉट्स में क्या है, डेटा को हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट किया हुआ जो कि हमारे उस एक्स वाई एक्सिस में स्कैटर्ड है, ठीक है। मल्टीपल डेटा सेट, हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा को अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा हमने यूज किया, डेटा वन एंड डेटा टू। तो इन दोनों डेटा के लिए देखिए हमने अलग अलग कलर यूज किया हुआ ताकि यूजर इजली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये जो पिंक कलर है ये डेटा वन को रिप्रेजेंट, जो पिंक कलर है वो डेटा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो येलो कलर है वो डेटा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उस डेटा को यूज करके हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस डेटा को इजी वे में हम अपने इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, ठीक है, उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करके अपने इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को यूजर तक इजी वे में पहुंचा सके। अब ये तो बात हो गई कि जो स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स है उस ग्राफिक्स को हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली होती क्या है और कितने तरह की होती है, यानी हमने टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है, उसकी डिफिनेशन की स्टडी कर ली, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर इंटरफेस डिजाइनिंग, यानी अगर हम जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है उस स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके जो स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स हम कर रहे हैं उस ग्राफिक्स को करते समय, उस ग्राफिक्स को डिजाइन करते समय, उस स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफ के फॉर्म में इंप्लीमेंट करते समय हमें किन टेक्निकल पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखना है उस चीज के रिगार्डिंग हमें फोकस करना होगा। जैसे कि पहला है इसमें ग्राफिकल सिस्टम। तो ग्राफिकल सिस्टम की अगर बात करें इसमें कह रहा है स्क्रीन डिजाइनिंग मस्ट बी कंपेटेबल विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम। नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्प्ले होने के लिए ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, ठीक है, जिनको रिफ्लेक्ट होने के लिए स्क्रीन पे हाई रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, विदाउट हाई रेजोल्यूशन हम उन ग्राफिक्स को या उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है कब, जब हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स हम क्रिएट करते हैं, जब हम किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय हमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है रिगार्डिंग ग्राफिक्स। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, स्क्रीन डिजाइन मस्ट बी कंफर्टेबल विद द कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम, यानी जो हम स्क्रीन की डिजाइनिंग करने जा रहे हैं वो हमारे सिस्टम
कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि डिजाइनिंग हमने हाई रेजोल्यूशन ही कर दी और हमारे सिस्टम पे वो डिस्प्ले ही ना हो पा रहा। सो इसमें सिस्टम पावर को ध्यान में रखना है, स्क्रीन साइज ध्यान में रखनी है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन ध्यान में रखना है, डिस्प्ले कलर ध्यान में रखना है एंड अदर डिस्प्ले फीचर्स, जो अदर डिस्प्ले फीचर्स हैं उस उन सभी चीजों को हमें अपने माइंड में रखना है। तो ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको हमें अपने माइंड में रखना है तब जब हम इस स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन डिजाइन मस्ट बी कंफर्टेबल विद द कैपेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म स्टाइल गाइड्स। ब्राउजर की अगर बात करें, ब्राउजर कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे उस ग्राफिक्स के, ठीक है। मॉनिटर साइज एंड रेजोल्यूशन, फॉन्ट कलर बैंडविड्थ एंड वर्जन, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना होता है तब जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टैटिकल ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अदर कंसीडरेशन क्या है, मतलब अदर टेक्निकल पॉइंट्स क्या है जो हमें ध्यान में रखना होता है, डाउनलोडिंग, करेंसी, पेज प्रिंटिंग, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशन फॉर इंटरफेस डिजाइनिंग। चूंकि जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है उस डेटा को हम अपने इंटरफेस पर ग्राफ के फॉर्म में ले आ रहे हैं, यानी हम उस डेटा की डिजाइनिंग कर रहे हैं ग्राफिकल फॉर्म में, किसके लिए, अपने इंटरफेस के लिए। तो जब हम उस डिजाइनिंग को करेंगे तो डिजाइनिंग करते समय कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट्स को हम बोलना है टेक्निकल कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग अ इंटरफेस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। इसी में नेक्स्ट है हमारा चूजिंग कलर फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल स्क्रीन। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था मल्टीपल डेटा सेट वाले ग्राफ में, इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किया गया है। अगर मैं सेम कलर यूज करूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कर्व जो है किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। अगर आप सरफेस चार्ट की बात करें, सरफेस चार्ट पे जिस हम कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डेटा इतना कॉम्प्लेक्स है कि उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3-dimensional कर्व बनाना पड़ रहा है और उस कर्व पे डेटा को रिफ्लेक्ट कराने के लिए किस लोकेशन पे कौन सा डेटा है उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए हुए हैं। तो कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब भी हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स में वह है चूजिंग कलर फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक स्क्रीन। सो कलर एड्स डायमेंशन और रियलिज्म टू स्क्रीन यूजिबिलिटी, स्क्रीन की यूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसमें रियल लाइफ का फैक्ट उतारने के लिए हमें अपने इंटरफेस में कलर यूज करना मस्ट है। बिना कलर के हम अपने उस डेटा को इजी वे में या यू कहें यूजेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलर ड्रॉज अटेंशन बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अ पर्सन आईज। जैसे कि मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको रिजल्ट एनालिसिस करनी है तो रिजल्ट एनालिसिस में जो पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आप ग्रीन कलर यूज करते हैं और जो फेल होते हैं उनके लिए रेड कलर यूज करते हैं। तो जो रेड और ग्रीन कलर है आपकी आपको अट्रैक्ट करता है, बिना कुछ पढ़े देखते ही आप ये समझ जाएंगे ग्रीन मतलब पास एंड रेड मतलब फेल। तो कलर ड्रॉज अटेंशन, ये हमारे ब्रेन को अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अपनी आंखों से उन कलर्स को देखते हैं हम अपने ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचाते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है समझ इजी वे में समझ जाता है कि ये ग्रीन कलर वाले स्टूडेंट्स हैं ये पास है और रेड कलर वाले स्टूडेंट जो है वो फेल है। अगर मैं वही पिंक कलर यूज कर लूं उनके लिए जो पास है लेकिन कैरी ओवर के साथ पास है, ठीक है। तो कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। देखिए यहाँ पे हमें किसी भी डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे देखते ही हम उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि बेसिकली उस डेटा का क्या मतलब है, यानी उस डेटा से इजी वे में हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इफ यूज्ड प्रॉपर्ली इट कैन एम्फसाइज द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन,
facilitate the discrimination of screen components, accentuate difference among elements, and make displays more interesting and attractive. If used improperly, color can be distracting and possibly visually fatiguing, impairing the system's usability. Means अगर हम proper color use नहीं करते हैं या color ही नहीं use करते हैं तो इसका negative impact ये पड़ेगा, user confused हो सकता है, user में भी कोई wrong information extract कर सकता है. Means हम जो statistical graphics बना रहे हैं वो किसी other information को represent करने के लिए बना रहे हैं, और user जो है अगर हमने color use नहीं किया तो user जो है उस डेटा को देख करके कुछ गलत इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकता है. तो कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे है जब हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं अपने इंटरफेस पे. सो हमें किन किन चीजों को फोकस करना होता है अगर हम कलर्स यूज करते हैं अपने इंटरफेस पे फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स. कलर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में सेट है रेड कलर का मतलब होता है खतरा और ग्रीन कलर का मतलब होता है कोई खतरा नहीं है. तो अगर हम नॉर्मली इसीलिए जो पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं और जो फेल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रेड कलर यूज करते हैं. अगर मैं इसको उल्टा करके यूज कर दूं अपने इंटरफेस पे, जो पास है उनके लिए रेड कर दूं और जो फेल है उनके लिए ग्रीन कर दूं, तो क्या होगा? ये हमारे माइंड जो हमारा माइंड सेट है उसका बिल्कुल कंट्रास्ट वर्जन है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कलर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है कौन सा कलर किस डेटा के लिए परफेक्ट होगा. इस चीज को हमें समझना होगा और उसी को समझते हुए हमें उस कलर को अपने उस डेटा पे इंप्लीमेंट करना होगा. व्हाट कलर इज, कौन सा कलर ठीक है यूज करना है, यूज ऑफ कलर्स, कैसे कलर को यूज करना है, पॉसिबली प्रॉब्लम्स एंड कॉशंस व्हेन वर्किंग विद कलर, कलर को यूज करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है. जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने पास स्टूडेंट के लिए ग्रीन कलर यूज किया, फेल के लिए रेड यूज किया. लेकिन पास में तो कुछ ऐसे भी होंगे जो विदाउट बैक पास हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो कैरी ओवर पेपर के साथ पास हैं. तो वही कह रहा है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड कॉशंस व्हेन वर्किंग विद कलर. जब आप कलर चूज कर रहे हो तो डेटा को अपने माइंड में रखिए कि किस किस टाइप का डेटा है. तो अब जो कैरी ओवर के साथ पास हुए हैं ठीक है, उनको या तो आप ब्लू कलर दे दीजिए या पिंक कलर दे दीजिए, जिससे ये लगे कि ये फेल नहीं है क्योंकि रेड कलर में नहीं है, और ये कम्प्लीटली पास भी नहीं है क्योंकि ग्रीन कलर में भी नहीं है. इट मींस ये फेल और पास के बीच वाली स्टेज में है, यानी ये प्रमोट तो हो रहे हैं लेकिन ये हर सब्जेक्ट में पास नहीं है. मीन्स ये पास विथ कैरी ओवर पेपर है. ठीक है, ठीक है. कलर कनेक्शन है हमारा, ठीक है, कि कलर को किस तरह से डेटा के साथ हम मैच कराएं. ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ कलर रिसर्च, कि जो कलर आप यूज कर रहे हैं उस कलर का क्या रिजल्ट आ सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं यूजर्स को रॉन्गली इंटरप्रेट कर ले. तो आपको पूरी R&D करनी है उस कलर के रिगार्डिंग, तभी उस कलर को इम्प्लीमेंट करना है आपने उस ग्राफिकल इंटरफेस पे. कलर एंड ह्यूमन विजन, यानी कलर को चूज करते समय हमें ह्यूमन के विजन को ध्यान में रखना है कि मे बी हो सकता हो यूजर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस ना हो. तो कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, वो उन कलर्स को इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, या फिर कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनमें जिनको हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते तो हमें टेक्स्ट विजिबल ही नहीं होगा. तो हमें कलर चूज करते समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो कलर हम किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं या वो कलर हम किसी ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं. सो हाउ टू यूज कलर, हाउ टू चूज द प्रॉपर कलर फॉर टेक्स्टुअल ग्राफिक स्क्रीन, हाउ टू चूज द प्रॉपर कलर फॉर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक स्क्रीन, हाउ टू चूज द प्रॉपर कलर फॉर वेब स्क्रीन, टेक्स्ट एंड इमेजेस. तो ये बेसिक पॉइंट्स है जिनको हमें अपने माइंड में रखना होता है एट द टाइम ऑफ चूजिंग कलर फॉर अवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स की डिफिनेशन, उसके यूजेस और कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स,
और उस स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स को अपने इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करते समय हमें किन किन टेक्निकल पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होता है ताकि हमारा वो ग्राफिक्स स्क्रीन पे इजिली रिफ्लेक्ट हो पाए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कुछ यूजर पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना होता है, जैसे कि कलर, कि यूजर किस टाइप के कलर को किस डेटा से रिलेट करना पसंद करता है, हमें उसी टाइप के कलर्स को उस अप्रोप्रिएट डेटा पे हमें यूज करना होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमारे स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स के, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा।